अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे और रमज़ान सबके बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और रमज़ान अल्लाह का शुक्र है मेरे बहुत बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बनाना एंड कॉफ़ी फेस पैक। ये टू टाइप के फेस पैक हैं, आप इसको ईजिली अपने फ्रिज के अंदर 7 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं और 7 डेज इसको रेगुलर यूज़ करना है तो ही आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। और ये क्या ऑयली स्किन टाइप है, मैंने इसको ऑयली स्किन पे भी यूज़ करवाया, इसके अलावा कॉम्बिनेशन स्किन पे भी, ड्राई स्किन पे भी, सबको ये बहुत बहुत सूट किए हैं। और बनाना के बेनिफिट या कॉफ़ी के बेनिफिट हमारी स्किन के लिए कितने अच्छे हैं ये नो हाउ सबको ही पता है। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और थैंक्स फॉर मेरी जो नेक्स्ट वीडियो थी उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आई है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। आप लोगों की इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरी टिप्स को, मेरी रेमेडीज़ को प्लीज़ ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी है पर इसको ज़रा तवज्जो से और से बिना स्किप के देखेंगे तो आपको इजीली ये फेस पैक बनाना आसान लगेंगे। मार्केट में जो फेस पैक मिलते हैं आप उसको जस्ट उस वक्त जब ट्राई करते हो जब तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, पर जब आप उसको एक दिन गुजर जाता है तो उसके बाद उसका कोई रिज़ल्ट समझ में नहीं आता उसका रिज़ल्ट। और दूसरा ये कि जब हम नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट नज़र भी आता है और वो फेस पर रहता भी है, यानी कि या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों की। और ये फेस पैक आप रेगुलर 7 डेज़ यूज़ करें, उसके बाद चाहे 7 डेज़ छोड़ दें फिर 7 डेज़ यूज़ करें तो आपको बहुत बहुत अच्छे लगेंगे। और बाय।